नमस्कार, एबीसी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे कानपुर की। दरअसल कानपुर के पनकी धाम मंदिर की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि यहां मंदिर के एक पुजारी ने मंदिर के दानपत्र से पैसे चुराते हुए नजर आए हैं। वहीं महंत की चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पनकी धाम मंदिर में दो महंतों के झगड़े में लगातार दान पात्रों से चोरी होती रही है और वहीं चोरी के अलावा मंदिर में वर्चस्व की होड़ के चलते दोनों महंतों में कई बार खूनी संघर्ष की खबर भी सामने आ रही है। खबर फर्रुखाबाद के कायमगंज से आ रही है, जहां भोले भाले और कम पढ़े लिखे लोगों को मेडिकल स्टोर संचालक बेवकूफ बना रहे हैं। आपको बता दें कि मेडिकल स्टोर संचालक और झोलाछाप डॉक्टर रोग विशेषज्ञ बनकर खुलेआम डाका डाल रहे हैं। यहां एक डॉक्टर इस वक्त डेंगू जैसी घातक बीमारी का इलाज करने का दावा करता है और इलाज कराने आने वाले मरीजों को भर्ती कर लेता है और फिर हालत बिगड़ने पर मरीज अपनी जान बचाने के लिए बाहर जाने को मजबूर हैं। इन डॉक्टरों के पास ना कोई डिग्री है और ना ही कोई डिप्लोमा, यहां तक कि क्लिनिक या अस्पताल का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। फिर भी ये अपना गोरख धंधा फैलाकर अन्य बीमारियों के अलावा जानलेवा डेंगू जैसी बीमारियों का इलाज करा रहे हैं। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे लोगों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने की बात कही है। कायमगंज क्षेत्र में जो है कि भारतीय मेडिकल स्टोर है, वहाँ पर जो है अवैध तरीके से मरीजों को इलाज किया जा रहा है। जो करीब दर्जन भर मरीज ऐसे हैं जो जमीन पर लेट कर इलाज करा रहे हैं। ये संज्ञान में आ चुका है मेरे बहुत करीब। आज टीम है जो और भी इसी तरह घटना की वहाँ मैंने भेज दी है। कल डॉक्टर अनुराग जाएंगे, उसके लिए हम भेजेंगे विद्युत जा करके और लोकल कुछ टीम को लेकर के उनकी निर्देश ये दे दीजिए, गाड़ी दूर खड़ी करें नहीं तो भाग जाते हैं। बिजनौर जिले में बुधवार को भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में जमकर धरना प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, कलेक्ट्रेट जा रहे किसानों को नुमाइस ग्राउंड में पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया, जिसके बाद किसानों और पुलिस ने जमकर झड़प की। तो वहीं गुस्साए किसानों ने पुलिस बैरिकेड तोड़ डाले और किसान कलेक्ट्रेट पहुंच गए, जहां किसानों ने पुलिस प्रशासन को चेताया कि अगर किसानों को पुलिस ने कहीं भी रोका तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। किसान नेताओं की मांग है कि देश केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को तुरंत बर्खास्त कर जेल भेजा जाए। किसानों ने कहा कि जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पद पर हैं तब तक निष्पक्ष जांच हो ही नहीं सकती, इसलिए वे मंत्री पद से उनका इस्तीफा चाहते हैं। संबंध में आपको जानकारी है, मैं गृह राज्य मंत्री एक भारत सरकार में जिम्मेदारी का पद इससे भी बड़ा और कोई पद प्रधानमंत्री का हो, जिसे जान माल की हिफाजत की जिम्मेदारी है जनता की, और वो जो यहाँ की जनता को रोंदता हो, उनकी हत्या करता हो, तो सुनियोजित हमला जो उसने कराया और आज भी अपने पद पर कायम है, इसे भारत सरकार को भी शर्म आनी चाहिए और ऐसे गृह राज्य मंत्री को तत्काल पद मुक्त करे, पद से हटा के, और जो अपराध 120B का है उसमें गिरफ्तार। बुखार से पीड़ित मरीज के गॉल ब्लेडर निकालने का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि यह खबर सुधीर क्लिनिक एंड नर्सिंग होम की है, जहां बुखार से पीड़ित मरीज 4 दिन पहले गॉल ब्लेडर निकालने के बाद उसकी मौत हो गई थी, लेकिन मृतक मरीज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और ही बता रही है। पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ है कि मृतक की डेड बॉडी से गॉल ब्लेडर नहीं निकाला गया है, जिसके बाद अस्पताल संचालक को बुधवार को जांच कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने के लिए हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद CMO बुलंदशहर ने कहा जांच रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, एक हॉस्पिटल में गलत नाम की वजह से ऑपरेशन का मामला सामने आया था, जिसके बाद युवक की मौत हो गई थी। फिलहाल उस मामले में क्या चल रहा है, क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, जैसे ही मामला संज्ञान में आया था, दो सीनियर डॉक्टर्स की एक जॉइंट समिति मिलाकर के जांच के लिए नामित कर दिया था दो लोगों को। एक उसमें एडिशनल CMO रैंक के अधिकारी थे और एक डिप्टी CMO रैंक के अधिकारी थे। तत्काल उसी दिन सायंकाल अस्पताल को सील कर दिया गया था, उसकी OT ICU OPD वगैरह सब सील कर दी गई थी और उसको उसका जो लाइसेंस है, जाँच जबकि रिपोर्ट जब तक आती है तब तक के लिए। फर्रुखाबाद जिला अभी भी विकास से अछूता नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ के सभी मार्गों को देखकर पता ही नहीं चलता कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा।
अगर किसी को इस मार्ग पर चलना हो तो वो किस्मत पर आंसू बहाता मिलेगा। योगी सरकार के बनते ही प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान चलाया गया और सरकार ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने को लेकर के काम भी किए, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सड़कों को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं और सड़कों के साथ साथ प्रशासनिक दावों को भी पलीता लगा रहे हैं। और कागजों में तो इन्होंने सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया है, लेकिन शासन की मंशा को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। नगर के सातनपुर आलू मंडी मार्ग पर यह मंशा पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। लोगों का कहना है कि पूरी सड़क पर यह समझ नहीं आता है कि सड़क पर गड्ढे हैं या फिर गड्ढे पर सड़क बनी हुई है। नवाबगंज से अलीगंज मार्ग जाने वाले पर मार्ग पर कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा? अरे अलीगंज मार्ग पर जाने वालों पर मार्ग पर इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इतने गड्ढे हैं, कोई कोई तो इसमें गिरकर चोट भी लग जाती है, डेली एक एक्सीडेंट भी होते हैं इस रोड पे, और सबसे ज़्यादा बदतर रोड यही है। जिला भरे में सबसे नीचे रोड। मानिए योगी आदित्यनाथ का कहना है गड्ढा मुक्त सड़क का, योगी आदित्यनाथ का गड्ढा मुक्त सड़क है, मुक्त को दिख ही नहीं रही है, यहाँ तो सारे गड्ढे। मान क्षेत्र के जसोली गांव में अचानक एक मकान भरभरा कर गिर गया, जिसमें आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए पास के ही अस्पताल में भर्ती किया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि तेज आवाज के चलते स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंच गए थे और स्थानीय ग्रामीणों ने ही मकान के मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला और वहीं घटना की सूचना क्षेत्रीय अधिकारियों समेत जिला प्रशासन को दी गई। स्थानीय पुलिस और स्थानीय अधिकारी घटना की जाँच पड़ताल में लगे हुए हैं। का रहने वाला हूँ राज सिंह जी, क्या घटना हुई थी? घटना ये हुई थी कल के सर हमारे गांव में मेला था, सारे लोग मेले भी जा चुके थे, मैं यहाँ घर पे आया था बच्चों को देखने के लिए, शायद घर पर कोई नहीं है, तो अचानक देखा कि ये सारी दीवार जो है एक साथ डैमेज हो गई, तो अमर सिंह सुनौब श्री रमेश चंद उनकी लड़की जिस घर में रह रही थी तो वो दब गई नीचे, तो अचानक मालूम पड़ा रोने रोने की आवाज़ सुनाई दी, तो मैं घर से बाहर निकला तो देखा मैंने कि लड़की दोनों छत के नीचे दबी पड़ी हुई हैं, तो मैंने उन्हें निकालने की कोशिश की, मेरे साथ में एक राकेश भाई भी था, हम दोनों ने मिलकर उनको निकाला फिर सारे गांव। खबर पीलीभीत से आ रही है, जहां बीच चौराहे पर दो महिलाओं में जमकर मारपीट की घटना सामने आई है। मैजिक गाड़ी पर बैठा कर आ रही दोनों महिलाएं इस वाहन पर आ रही थी, तभी एक महिला ने दूसरी पर पर्स उठाने का आरोप लगा दिया और शक होने पर महिला ने दूसरी महिला की जमकर पिटाई कर दी। वहीं दमाजबीन बनी भीड़ घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा देखती रही। मामला बरखेड़ा थाना के ब्लॉक गेट का है, तो दो महिलाओं में खूब हाथापाई देखने को मिली है और आपको बता दें कि पर्स उठाने को लेकर के ये विवाद हुआ था, शक था कि महिला ने पर्स उठाया है, जिसके बाद शक में महिला की पिटाई कर दी गई। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा के दौरान दिवंगत हुए किसान दलजीत सिंह और गुरविंदर सिंह के घर बुधवार को समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा और मृतक किसान के परिजनों को आर्थिक सहायता दी। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रामहर्ष यादव दोनों पीड़ित परिजनों को 5-5 लाख रुपए का चेक दिया। इस मौके पर रामहर्ष यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी हर तरह से पीड़ित किसान परिवार के साथ खड़ी है और जब तक केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी को हटाया नहीं जाता और उनके बेटे आशीष मिश्र को सजा नहीं मिल जाती, तब तक उनका विरोध और आंदोलन जारी रहेगा। अध्यक्ष जी, आज आप लखीमपुर घटना के मृतक किसानों के घर आए हुए हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ धनराशि भी दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? गत 10 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ पर आए थे और साहब पीड़ित किसान जो हमारे शहीद हुए उनके परिजनों को शोक संतावना दिया, और इसके पहले वो जो लखीमपुर में लोग मारे गए थे किसान, उनके परिवारों को भी गए थे मिलने, और वहाँ पर अपनी पार्टी की ओर से जो शहीद किसान थे उनको अपनी पार्टी की ओर से 5-5 लाख रुपया देने का। अहिरौला थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी। सलीम बाजार से लौट रहा था, तभी कुछ मनबढ़ दबंगों ने उस पर गोली चढ़ा दी। गोली लगने से सलीम बुरी तरह से घायल हो गया। गोली की आवाज सुनकर स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए। स्थानीय लोगों ने घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू कर दी है।
कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यात्रा की सफलता के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपकर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश का राजनीतिक पारा लगातार बढ़ रहा है। हर पार्टी तमाम मुद्दों और कार्यक्रमों से जनता के बीच अपनी बैठक कर रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी सत्ता के वर्चस्व की लड़ाई में अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। कांग्रेस महासचिव के 7 प्रतिज्ञाओं को जनता के बीच पहुंचाने की गर्जना से 3 प्रतिज्ञा यात्रा कांग्रेस निकाल रही है। कांग्रेस द्वारा जो पूरे प्रदेश में 3 प्रतिज्ञा यात्राएं प्रारंभ की गई हैं, उनमें से एक यात्रा का समापन मथुरा जनपद में होना है। हमें ये अवसर मिल रहा है कि वो प्रतिज्ञा यात्रा वृंदावन भी आएगी, तो उस दौरान हमें कुछ कार्यक्रम, उसके स्वागत के कार्यक्रम करने थे, उसके नुक्कड़ सभाओं के आयोजन करने हैं। तो उस संदर्भ में हम लोगों ने आज एक आवश्यक बैठक यहाँ गांधी पार्क में आयोजित की, जिसमें हमारे नवीन पदाधिकारी जो कमेटियाँ बनी हैं वो सभी उपस्थित थे, वार्ड अध्यक्षगण उपस्थित थे, माननीय पूर्व विधायक श्री प्रदीप माथुर जी भी आज हमारे बीच इस बीच उपस्थित रहे। तो हम लोगों ने यह तय किया है कि जो यात्रा हमारी यहाँ आएगी वृंदावन, उसे हम वृंदावन के बाजारों में होते हुए या गांधी पार्क तक लेके आए, इस बात का हमने प्रस्ताव भेजा है। ये आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में श्रीमती प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर 3 यात्राएं निकल रही हैं, जिनका नाम है प्रतिज्ञा यात्रा। एक यात्रा कल सहारनपुर से शुरू हुई है, जिसका समापन मथुरा में होना है। एक यात्रा वाराणसी से शुरू हुई है और एक यात्रा शुरू हुई है बाराबंकी से, जिसका कल प्रियंका गांधी जी ने हरी झंडी दिखा के। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एबीसी न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।